So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किए जाने को लेकर दूसरे देशों की दखलअंदाजी शुरू हो चुकी है। पहले पाकिस्तान और अब अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुद ये बात कही कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने को लेकर अमेरिका चिंतित है। एक बार ये बयान आप खुद भी सुन लीजिए। India has implemented a controversial citizenship law that has been widely criticized for excluding Muslims, establishes a religious test for migrants from every major South Asian faith other than Islam. So do you have any comments on this in relation to discussion about religious freedom? So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. तो अमेरिका के इस बयान के मुताबिक अधिसूचना जारी किए जाने को लेकर वो चिंतित है। अब देखा जाए तो इस कानून से दूर दूर तक अमेरिका का कोई नाता नहीं, मगर हमेशा की तरह अमेरिकी नेता एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। वीडियो में साफ सुना जा सकता है जहां मिलर ने कहा, हम करीब से नजर रख रहे कि इस अधिनियम को किस तरह से लागू किया जाता है। धार्मिक आजादी और कानून के तहत सभी समुदायों के लिए समान व्यवहार मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है। अब देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सभी शंकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नया कानून केवल उन सताए गए माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है जो कभी अविभाज्य भारत का हिस्सा रहे थे और ये किसी के अधिकारों को नहीं छीनता है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया था और कहा था, मैंने CAA पर कम से कम 41 मिनट तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विस्तार से बोला है कि देश के अल्पसंख्यकों को इससे जरा भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून में किसी नागरिक के अधिकार छीनने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद भी देखा जा सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान जैसे देश इसे एक नया मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में है। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।